गंगा, जो भी भक्त पूर्ण भक्ति भाव से इस रीत के साथ प्रभु विष्णु का श्रृंगार करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है और उन्हें मोक्ष के समान आनंद की प्राप्ति होती है। काकी, आप तो कह रही थी कि आप अपने पूर्व जन्म के विषय में कुछ नहीं ज्ञात, किंतु जिस भक्ति भाव और श्रद्धा से आपने हमें प्रभु विष्णु के 16 श्रृंगार के बारे में बताया, ऐसा लग रहा था स्वयं वसुंधरा देवी बता रही हैं। गंगा, हमारी जन जन्मांतर की यात्राओं में हमारा शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं, और हम जो भी कार्य अपने सच्चे हृदय से करते हैं वह हमारी आत्मा में आत्मसात हो जाती है। इसलिए देवी वसुंधरा को प्रभु विष्णु के श्रृंगार के विषय में सब कुछ स्मरण है। नीलकंठ, प्रभु विष्णु के 16 श्रृंगार की विधि जानने के पश्चात हम उनके श्रृंगार करने से स्वयं को रोक नहीं पा रहे। चलो, हम शीघ्र ही गांव वालों से बात कर लेते हैं। काकी, अपना ख्याल रखिए, हम कुछ देर में आते हैं। गंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम लोगों के लिए मंदिर का द्वार खोल देंगे? इस समस्या का केवल यही एकमात्र मार्ग है, हमें एक अवसर दीजिए। नहीं गंगा, उस पर विश्वास करके हमारे प्रभु ने पहले ही बहुत कुछ सहा है, पर अब हम तुम पर विश्वास करके हमारे प्रभु श्री विष्णु को और कष्ट नहीं दे सकते। काका, आपने सारे उपाय कर लिए ना, किंतु कोई सफलता प्राप्त हुई नहीं ना, हमें भी कुछ करने दीजिए ना। बालक, भगवान शिव का रूप धारण करके तुम अपने आप को मायावी समझते हो। आज तो तूने उस पापिन को हमारे हाथों से बचा लिया, किंतु अपनी माया से कब तक रक्षा करोगी उसकी? काका, आप हमें केवल एक अंतिम अवसर दे दीजिए, यदि हम इस कार्य में असफल हो तो हम ये गांव छोड़ के सदा सदा के लिए चले जाएंगे। अरे यही तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये गाँव हमारा है। हाँ हाँ, ये गाँव हमारा है और यहाँ की समस्या से हम स्वयं निपट लेंगे। जाओ, तुम अपनी यात्रा पूरी करो। जाओ। नीलकंठ, अब हम क्या करें? इन भयभीत ग्रामवासियों पर क्रोध नहीं कर सकते, हम इनसे प्रेम से बात कर रहे हैं तो ये सुन ही नहीं रहे। गंगा, तुम प्रभु विष्णु की श्रृंगार की सामग्री लाओ और मैं शेष कार्य करता हूँ। किंतु गांव वालों का क्या? गंगा, गांव वाले हमें तब रोकेंगे ना जब वो अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे। नीलकंठ, हम नहीं जानते तुम क्या सोच रहे, किंतु तुम्हारी जो भी योजना है उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना, क्योंकि हम तुम पर विश्वास कर रहे हैं। गंगा, इस बार विश्वास ही नहीं, स्वयं को सारी चिंताओं से मुक्त भी कर दो। जाओ, शीघ्र करो। दम 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 दम। हे प्रभु, ये दोनों बालक मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हैं। मेरे जो भी अपराध हो उनका दंड केवल मुझे देना प्रभु, इन दोनों की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। गंगा, क्या हुआ? सब कुशल है ना? काकी, हम तो केवल यहाँ प्रभु के 16 श्रृंगार की सामग्री लेने आए हैं। इस कारण गांव वाले मंदिर का द्वार खोलने के लिए सहमत हो गए। काकी, अब तो मंदिर के द्वार भी खुलेंगे और आपको अपने प्रभु के दर्शन भी होंगे, क्योंकि एक भक्त की यात्रा है अपने भगवान को पाने की, और इस यात्रा के मध्य ना हम गांव वालों को आने देंगे और ना ही संसार।
बुलाना होगा जिनसे मनुष्य भयभीत भी होते हैं और जिनकी मनुष्य भक्ति भी करते हैं। और हर एक व्यक्ति को अपने दर्शन दीजिए, किंतु स्मरण रखिएगा, वह लोग आपकी भक्ति को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं जाने चाहिए। लगता है इन बालकों को गांव से निकालना पड़ेगा। हे नाग देवता, शीघ्रता से जाना, अन्यथा तीव्रता से यही हो जाएगा। तो यही योजना है नीलकंठ की। कभी कभी तो हमें लगता है कि वो केवल महादेव के समान सोचता नहीं, अपितु वास्तव में महादेव ही है। हे नाग देवता, हम जानते हैं आप भक्तों की रक्षा करने आए हैं, आपको सत सत नमन। चल अविरल जल की धारा, रोके रुकी कब जाने संसारा। हर हर गंगे, जय 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 गंगे, पाप नाशिनी, जय 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 गंगे। शरीर को तपा ले, अपने मुख को शांत बना ले, केवल एक भक्त की भक्ति की रक्षा के लिए, केवल अपने भक्त के शाप को दूर करने के लिए आपने इतने कष्ट सहे, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। हे प्रभु, हमें देवी वसुंधरा के समान श्रृंगार के गुण तो नहीं, किंतु हमें आशीर्वाद दे कि हम आपका श्रृंगार भक्ति भाव से और श्रद्धा पूर्ण कर सके। हमें आपका श्रृंगार करने की अनुमति दे प्रभु।
हरिका श्रृंगारु गंगा चरण लगाए लाल आलता पुष्पहार से प्रभु को सजाए हर सिंगार से शोभा बढ़ाए जय श्री हरि जय 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 गंगे धन्य है तू हर 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 गंगे जय श्री हरि जय 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 गंगे धन्य है तू हर 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 गंगे लाओ शीघ्र हे नाग देवता लीजिए दूध ग्रहण की अरे भागो विष्णु हमने आपका ये 16 श्रृंगार संपूर्ण भक्ति और श्रद्धा से किया है और आपने हमारे श्रृंगार को स्वीकार किया हम धन्य हो गए प्रभु और हमें पूर्ण विश्वास आपके इस भव्य रूप के दर्शन कर देवी वसुंधरा का श्राप अवश्य दूर हो जाए। ये नीलकंठ भी ना जब तक ना कहो कार्य करता ही रहता है अब बैठ के सद ध्वनि बजा रहा है ये नहीं कि मालिनका की गोले है हमें इसे समझाना होगा प्रभु का श्रृंगार भी कर दिया और अब तक तुम्हें सरपुन में क्यों हो जाओ शीघ्र मालिन काकी को बुला ले आओ तुम यहाँ हमारी सहायता करने आए हो और हमें ही ना दे रहे हो गंगा मैं तुम्हारी ही तो सहायता कर रहा हूँ यदि मैंने ये धुन बजानी बंद कर दी तो गांव वाले यहाँ आ जाएंगे और हमारी योजना कभी सफल ही नहीं हो पाएगी क्या मन में सोच रहे हो ये मन में सोचने का समय नहीं है जाओ मालिन काकी को बुला ले आओ ऐसे हमारी बात नहीं सुनो अब हमें तुमसे तुम्हारा ये सच वादे ही नहीं होगा नीलकंठ हम कहते हैं अपने अपना ये सच वादे दे दो गंगा यदि मैंने तुम्हें ये दे दिया तो हमारी योजना कभी सफल ही नहीं हो पाएगी मालिन काकी को उनके श्राप से कभी मुक्ति ही नहीं मिल पाएगी नीलकंठ अपना कार्य कर लिया है प्रभु का 16 श्रृंगार पूर्ण हो गया है अब तुम भी कोई उत्तरदायित्व उठाओ
जा मालिन काकी को बुला ले आओ। गंगा तुम व्यर्थ ही मेरे पीछे पड़ी हो, अब तक तुम मालिन काकी को यहाँ बुला भी लाई होती। लगता है तुमने अब तक जाना नहीं कि हम गंगा हैं, हम सुनते सबकी हैं, किंतु करते केवल अपने मन की हैं। अपने मन की करने में कोई बुराई नहीं है, किंतु उससे हमारा समय थोड़ा लंबा हो जाता है। कुछ कहा नहीं, अब कहने का कुछ लाभ ही नहीं रहा। अच्छा, लगता है तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ है कि हमने सत्य में प्रभु का सोलह श्रृंगार कर दिया है। नहीं नहीं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है। मैं अब अभी अभी मालिन काकी को ला के लाता हूँ। नहीं रुको, इससे पहले तुम मालिन काकी को लेके आओ, हमारे द्वारा किए गए सोलह श्रृंगार के दर्शन करते जाओ, ताकि जब तुम मालिन काकी को लाओ तो तुम्हारे मुख पर संदेह नहीं अपितु सफलता की अभाव। अब सोच क्या रहे हो, चलो चलो। कहो, किया है ना हमने भगवान विष्णु का अद्भुत सोलह श्रृंगार। हाँ गंगा, बहुत अद्भुत श्रृंगार किया है तुमने, ठीक वैसे ही जैसे देवी वसुंधरा विष्णु धाम में प्रभु विष्णु का करती होंगी। किंतु तुमने ना थोड़ी देर लगा दी। अर्थात? अर्थात आओ मेरे साथ। वो देखो, महाराज ये सब उस कपी पुरोहित की रची हुई माया है, अन्यथा जो अपराध हमने किया ही नहीं उसके लिए हम कारागार में क्यों होते। महारानी, हम इस जन्म में जो कुछ भोग रहे हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रतिफल होता है, और हम नहीं जानते हमने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं। महाराज, इसका अर्थ यह है कि आप अब भी उस पुरोहित पर विश्वास करते जिसने आपसे आपका राजपाट छीन लिया, बिना ही दोष के आपको दोषी बना दिया। नहीं महारानी, हमारा पूर्ण विश्वास धर्म पर है, और परिणाम चाहे जो भी हो हम धर्म के मार्ग को कदापि नहीं त्याग सकते, कदापि नहीं। धर्म का पालन करने के लिए तो आपको जीवित रहना होगा, और जीवित रहने के लिए आपको भोजन करना अति आवश्यक है। तुमने तो कहा था कि हमारे कार्य में बाधा डालने कोई नहीं आ पाएगा, तो ये गांव वाले तो इसी ओर आ रहे हैं। नहीं आते यदि आपने मुझे ये नाग वाद्य बजाने से नहीं रोका होता, क्योंकि इसी की धुन से वह सर्प गांव वालों के द्वार पे खड़े थे, और यदि इसकी धुन नहीं तो सारे सर्प अपने घर। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बताने का प्रयास किया था, किंतु आप तो गंगा है, सुनती सबकी है किंतु करती केवल अपने मन की है। तब ये मत कहना इसमें भी हमारा ही दोष है। दोष तो मेरा है जो मुझे एक साथ सर्प धुन बजाना और बात करना नहीं आता। है तो दोष तुम्हारा ही, किंतु अब दोष स्वीकार करने से हमारा बिगड़ा हुआ कार्य थोड़ी ना बन जाएगा। अब हम क्या करें? अब वो तो ना प्रधान काका ही बताएंगे। लो आ गए।
लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।